कानून के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। पंजाब भर में किसानों ने किया ट्रेन रोको आंदोलन। कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे किसान। कांग्रेस में दिखी अंदरूनी दरार। सुखजिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा निशाना। कहा नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेसी नहीं, वो है माइग्रेट नेता। पंजाब में कोरोना का कोहराम जारी। संक्रमितों का आंकड़ा 1,21,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 848 नए केस आए। अब तक कोरोना से 3,500 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। हिमाचल में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर। संक्रमितों का आंकड़ा 16,700 के पार। 24 घंटे में 213 नए मामले सामने आए और 13,500 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। केरल की बेटी देविका ने गाया हिमाचली गीत। सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया वीडियो। देविका ने गाया चंबा कितनी दूर गीत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। हिमाचल में हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसानों की तरफ से प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी। कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के अलग अलग जिलों में किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं किसानों ने ट्रेन रोको आंदोलन भी जारी है और किसान ट्रेन की पटरी पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, जैतो, नवाशहर, भरनाला, मानसा के, जहां पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अर्धनग्न अवस्था में। तो कई जगह किसान रेलवे ट्रैक पर अपने पशुओं को बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अन्नदाता सड़कों पर है। बीजेपी पार्टी को छोड़कर पूरा पंजाब किसानों के साथ खड़ा है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, जैतो, नवाशहर, बरनाला और मानसा की, जहां पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसान अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का जो प्रदर्शन है लगातार जारी है। वहीं श्री फतेहगढ़ साहिब में किसानों ने प्रदर्शन किया, जहां हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर जायजा लिया। बीते दिन ही हरियाणा के सिरसा में किसान जथेबंदियों पर की लाठीचार्ज के खिलाफ आज पंजाब के किसानों ने पंजाब के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जाम करने का ऐलान किया गया था। इसी लड़ी में हम आज मौजूद है जिला फतेहगढ़ साहिब के खमाणों में, जहां पर किसानों की तरफ से लुधियाना और चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को जाम किया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी गिनती में किसान जथेबंदियां हैं जो यहां नेशनल हाईवे पर मौजूद है। वहीं किसानों का कहना है कि जो यूपी में एक लड़की से बलात्कार हुआ था, वह घटना दुखदाई थी, उसके विरोध में भी आज किसान जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना था कि अगर जल्द केंद्र सरकार ने खेतीबाड़ी कानून में बदलाव ना किया तो आने वाली 3 नवंबर को किसान पूरे भारत को बंद करेंगे। राजेश शर्मा, इंडियन न्यूज पंजाब, फतेहगढ़ साहिब। वहीं राहुल गांधी के पंजाब दौरे के दौरान पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच खटपट जग जाहिर है। इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को खन्ना के वेरका फीड प्लांट पहुंचे कैबिनेट मंत्री रंधावा ने एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला है। रंधावा ने कहा कि सिद्धू माइग्रेट करके लाए गए नेता है, वो कांग्रेसी नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। जब जेडे बंदे नु पता ही कुछ नहीं, ओदा मैं की जवाब तुहानू दवां। फ्रेंडली मैं तुम आप ही उन्होंने पूछो कि सरदार साहब पिता जी थोड़े कहते कि बिल बहुत वधिया ने, तुसी पार्लीमेंट विच बोले नहीं, तुसी कोई इहो जिही गल कीती। फ्रेंडली मैच होए तो फ्रेंडली मैच का जवाब देन चुकदा दे देन, पुरी साहब का दे देन, जिहड़े बोल के गए ने कि इन्होंने अंदर कोई गल ही कदी नहीं की। तो फ्रेंडली मैच असी थोकिया जे हुण सही उन्होंने धरने दे के हटे हैं, असी अपनी असैम्बली पास कर दिता कि असी मनते नहीं, दोबारा असी फिर असैम्बली रखने जा रहे हैं। तो इनू मैं पूछना चाहना कि
तू दस दे कि फ्रेंडली कि फ्रेंडली तो इन्हों का एक मैं चीज़ तुम दसदा कि दो तीन महीने बाद फिर इकट्ठे होणगे। इन्होंने आप ही बीजेपी ने इन्हों कहा कि तुम जाके तारपीडो करो इस एजुकेशन पंजाब फेल करने की कोशिश। वहीं राजपुरा में किसान आंदोलन के चलते थर्मल प्लांट पर संकट गहराता हुआ जा रहा है। पंजाब के रोपड़ और लहरा मोहम्मद स्थित सरकारी थर्मल प्लांट कोयले की कमी के चलते लगभग बंद हो चुके हैं, तो वहीं राजपुरा तलवंडी साबो और गोइंदवाल साहब के निजी थर्मल प्लांट चल रहे हैं, जहां से 666, 628 और 153 मेगावाट मिलाकर कुल 1446 मेगावाट बिजली मिल रही है। इतना ही नहीं, इन निजी थर्मल प्लांट्स के पास केवल दो दिन का कोयला बाकी है, जिसके बाद समस्या बढ़ सकती है। बिजली की कमी के होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पावर कट की समस्या भी बढ़ सकती है। पूरे पंजाब दे विच कह लिए या दूजे सूबे दे विच कह लिए, खेतीबाड़ी कानूनों नूं लैके किसानों वालों लगातार प्रदर्शन जिहड़ा जारी है और पिछले करीब दो हफ्ते हो चले ने। जिहड़ी रेलगड्डियां पंजाब दे विच प्रवेश द्वार ते रोकी गईआं ने, उस नाल पंजाब दे विच काफ़ी जिहड़ा कारोबार प्रभावित हो रहा है। उत्थे गल करिए थर्मल प्लांटां दी, पंजाब दे जिन्ने भी थर्मल प्लांट हन, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, उन्हां दे विच कोला जिहड़ा काफ़ी घाट पाई जा रही है। कोले दे घाट होण करके और जिहड़े पंजाब दी बिजली आ काफ़ी प्रभावित हो रही है। कई देहाती इलाकों दे विच बिजली दे जिहड़े कट लगने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि गल करिए क्योंकि पंजाब दे विच जिन्ना भी कोला आंदा आंदा और पंजाब दे सूबे तो बाहर दे सूबे तो इत्थे प्रवेश करता है रेलगड्डियां राही और थर्मल प्लांटां दे विच जांदा है और थर्मल प्लांटां दे विच बिजली जिहड़ी उत्पन्न होंदी है कोले तो हो रही है। और उत्थे ही तुहानूं दस दईए कि भरोसेयोग सूत्रां तों इह वी जानकारी मिल रही है कि रोपड़ या होर जिहड़े थर्मल प्लांट हन उन्हां दे विच कोले दी जिहड़ी कमी काफ़ी महसूस हो रही है और उन्हां दे विच यूनिट जिहड़े एक दो यूनिट उन्हां दस्सिया कि उह वी बंद कर दित्ते गए हन। हुण इह देखणा होवेगा कि पंजाब दे विच कोला कित्थों प्रवेश कदों होवेगा, क्योंकि किसान अपनी जिद ते अड़े होए ने और खेतीबाड़ी कानूनां नूं लै के उह विरोध लगातार जारी है। क्योंकि दस दईए बीते दिन ही कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों इह बयान भी आया सी कि जेडे कि पंजाब दे विच रेलगड्डियां ना रोकिया जाण, क्योंकि जिहड़ी कारोबार और पंजाब दे विच माल गड्डियां राही हो रहे हैं। और इह पहलां भी दस दईए कि लॉकडाउन होण करके बीते कुछ समा 6 महीने ही करीब हो गए सन, भी लॉकडाउन होण करके काफ़ी जिहड़ा प्रभाव पिया सी, कारोबार पहलां ही ठप्प हो गए सन। तो हुण किसानां दी जिहड़ी मंगां ने उह केंद्र सरकार वल्लों नहीं मन्नी जा रही, जिस करके हुण पंजाब दे विच होर भी जिहड़ी आर्थिक स्थिति तों पंजाब नूं लंघना पै रिहा है। इंडिया न्यूज़ ली दया सिंह राजपुरा। वहीं होशियारपुर में उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने शहर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि किसान आंदोलन के चलते प्रदेश का यातायात ठप पड़ा हुआ है। सीएम ने भी किसानों से प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है। सर ये सीएम साहब ने भी अपील की है कि अगर माल गड्डियां नहीं चलन तो साडा अनाज किदा बाहर जाएगा, सानू उत्थों फर्टिलाइजर किदा बाहर आएगा, बाहरों साढ़े पंजाब आएगा। ये सीएम साहब ने भी अपील की है। असी वकीलों की सलाह लैके सुप्रीम कोर्ट च भी असी जा रहे हैं, साड़ी पार्टी जा रही है। मानयोग मुख्यमंत्री ने यह गल कही है किसानों का धक्का होया, नो डाउट पंजाब की किसानी नू खत्म किया गया। साडा एक पंजाब का किसान जिहड़ा पूरे देश का 50% अनाज जिहड़ा पैदा करता सी, एक MSP इन्होंने लीगल तौर पर खत्म की है। जवानी कह रहे देंगे MSP जिहड़े वड्डे घराने ने उन्होंने स्ट्रोंग करना चाहते हैं। साढ़े जिमीदार जिहड़ी कि एक जमीन अपनी माँ के रूप से जिमीदार समझदा है कि बच्चे साढ़े, उन्हों एक बड़ा धक्का लगा है कि साढ़े को सारा कुछ खोन जा रहा है। जिहड़े बड़े घराने ने उन्होंने पिछे लग के उन्होंने देने दे जिहड़ी MSP की अज गल करते, चाहे BJP है चाहे अकाली दल है, अगर जिस वेले बिल पास होना सी ते अगर इन्हां दी नीयत साफ हुंदी ते MSP उहदे विच एडिशन कर देंदे एक लाइन के MSP जिहड़ी हटेगी नहीं। वहीं बठिंडा पुलिस ने लखी ज्वेलर्स मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि 24 सितंबर को 6 बदमाशों ने बंदूक के दम पर लखी ज्वेलर्स को लूटा था। वारदात में बदमाशों ने करीब 2 करोड़ रुपए के सोना चांदी पर हाथ साफ किया था, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने 2 हफ्ते में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए सामान और ज्वेलरी भी बरामद कर लिया है।
पंजाब में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला नाभा का है, जहां 22 वर्षीय युवती का दुपट्टा से गला दबाने से मौत का मामला सामने आया है, जिसको लेकर रिश्तेदारों का आत्महत्या का शक जताया। वहीं पुलिस ने इस मामले को हत्या के शक से तहकीकात कर रही है। लुधियाना के पक्कूवाल रोड स्थित ओमैक्स रेजिडेंसी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक कुत्ते को ईंट पत्थर मारकर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। चलिए बात अब तरन तारण की करते हैं, जहां पर तेज रफ्तार ने एक युवक की जान ले ली है। तरन तारण में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं हादसे के बाद तुरंत मौके से ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से तरन तारण में देखने को मिला, जहाँ पर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। सोहम सिंह सुभरा किसान कमेटी पंजाब। काफ़ी चिर तो अमृतसर आ गए साढ़े लागे वाटना वाटी साढ़े लखबीर सिंह जी का पुत्र है जी, पुत्र जो अगे मर गया है तो छोटा जहा मुंडा उन्होंने बड़ी प्यार देना बड़े सामभ्या जो हमने 18-19 साल का है जी। अचानक जिस तरह गुरबाणी भी लिखा भी जिस तरह चिंते वाजपेई केल करेंदे चिंते वाजपेई या चिंते वाजपेई की गल बनी है। यह अपनी माता तो अपनी भैन को पिंड छड़न तुर आता है। अचानक इतों को JCP लगी मशीन उस खराज बलराज सिंह भगूपुर की, वो ट्राला लैके मुंडा तुरै जाता है खाली दे लागे अगे, अचानक वह पहिया उतर गया, बैरिंग टुट गई, तो इन्हों के अगले पासे ट्रैक्टर हो गया, तो अचानक बेच वजा जो जी सिर दर्द सारा फिस गया जी, तो दूजे जख्मी हो गई। पंत सिंह जी ये ना जी, मैं सभरा पिंड तो जान दिया ही तो रस्ते एक्सीडेंट होया है। मैं जब देखिया भी जनानियाँ झोने के पाइया तो मैं दवा दवा अपने बड़े भरा सूबेदार को फोन करके गड्डी मंगाई, गड्डी मंगा के फिर अं नाल परमजीत ही मेरा भरा सरबजीत सूबेदार अं तिने जने चुके अं गड्डी पा के इन्हों हस्पताल दाखिल कराया। चलिए अब हिमाचल की खबरों का रुख करते हैं। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया है, साथ ही उन्होंने लिखा है केरल की बेटी देविका ने अपनी सुरीली आवाज में प्रसिद्ध हिमाचली गीत चंबा कितनी दूर गाकर हिमाचल की शान बढ़ाई है। इसके लिए बेटी आपको बहुत बहुत बधाई, बेटी देविका आप हिमाचल अवश्य आए और यहाँ की संस्कृति को करीब से जाने। देवभूमि हिमाचल की ओर से आपके उज्ज्वल और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने एक केरल की बेटी को शुभकामनाएं देते हुए कही है। चंबा कितनी दूर मायने मेरे शिमले तेरा है, चंबा कितनी दूर शिमले निवसना कसाले निवसना चंबा कितनी दूर।
वहीं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने सर्किट हाउस में जनता की समस्याओं को सुना और अधिकतर समस्याओं का मौके पर निपटारा किया। साथ ही कृषि मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना के काल में सरकार पर विफल रहने के आरोप जड़ने वाला विपक्ष पूरी तरह से नाकाम रहा है। शिमला में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कृषि सुधार कानून से किसानों की दिशा और दशा बदलेगी और ये कानून 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में मददगार साबित होगा। इस दौरान सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को जो है गुमराह किया है, ये आरोप सुरेश कश्यप ने लगाए। वहीं सुरेश कश्यप ने कृषि सुधार कानून और अटल टनल रोहतांग को देश को समर्पित करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी जी का सपना पीएम मोदी ने पूरा किया है और इस टनल के खुलने से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऊना जिला के इसपुर गांव के सहकारी सभा में हुए करोड़ों रुपए के गोलमाल मामले में विजिलेंस ऊना ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं सभा के सचिव श्याम कुमार को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस ऊना और एसआईयू शिमला की संयुक्त टीम ने इसपुर के 3 स्थानों पर दबिश दी थी, जिसमें सहकारी सभा के आरोपी सचिव के घर और उसके फार्म हाउस समेत एक अन्य ठिकाने पर छापेमारी की थी। देर रात तक चली कार्रवाई के बाद सभा के सचिव को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस के एएसपी सागर चंद्र शर्मा की अगुवाई में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस सहकारी सभा में हुए गोलमाल का मामला उस वक्त सामने आया जब सहकारी सभा में अपनी पूंजी जमा करवाने वाले जमाकर्ताओं ने अपनी राशि वापस मांगी तो उन्हें सभा की तरफ से कर्ज दिए जाने की बात कहकर टाल दिया गया। सहकारी कमेटी में गोलमाल का मामला जो है सामने आया है और इसमें तहकीकात करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं राजधानी शिमला में हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर डीसी ऑफिस तक राजभवन तक मार्च निकाला गया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मॉल रोड में रोकने का प्रयास किया, जिस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। तो हाथरस मामले को लेकर देश भर में उबाल है, इसी को लेकर शिमला में प्रदर्शन किया गया। जब प्रदर्शनकारी शिमला के ऐतिहासिक मॉल रोड पर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने डीसी ऑफिस से लेकर राजभवन तक रोष मार्च निकाला और हाथरस मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाथरस मामले को लेकर देश भर में उबाल है। वहीं रामपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश को लेकर ग्रामीण इलाकों और दूर दराज तक पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से प्रयास तेज कर दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास की टीम की तरफ से कोटला गांव में महिलाओं और किशोरियों को जागरूक किया गया। साथ ही कोरोना काल में किस तरह का भोजन स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वो भी बताया गया। ज्योरी पंचायत के प्रधान अशोक नेगी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ग्राम पंचायत ज्योरी के कोटला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ पारंपरिक अनाज से बने पकवान लाए गए और बच्चों को जागरूक किया गया कि इस पकवान में कितनी पौष्टिकता है और इस दौरान बेटियों को समाज में आगे लाने के लिए भी प्रेरित किया गया। तो रामपुर के कोटला गांव में यह अभियान चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ये पहल जो है प्रयासरत है, इसी को लेकर ज्योरी के कोटला गांव में यह अभियान चलाया गया और कोरोना काल में किस तरह का भोजन जरूरी है, किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकते हैं, इसको लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया। वहीं योग में अलग पहचान बना चुकी हमीरपुर जिला की चेरी खियूद गांव की निधि डोगरा ने एक बार फिर से वर्ल्ड बुक ऑफ योगा रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। निधि डोगरा ने 13 अक्टूबर को अखिल भारतीय योग महासंघ की ओर से आयोजित ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसमें निधि डोगरा ने 1 मिनट में हैंड स्टैंड में 35 अलग अलग आसनों को प्रदर्शित किया, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 7वीं कक्षा की छात्रा निधि डोगरा की उपलब्धि पर माता पिता ने खुशी जाहिर की है। निधि डोगरा ने इससे पहले भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तो 7वीं कक्षा की छात्रा का ये कारनामा अपने आप में हैरान कर देने वाला है, जिससे हमीरपुर के लोगों को गर्व महसूस हो रहा है।
लेडी डोगरा जो है पहले भी कई रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर चुकी है। महज एक मिनट में निधि डोगरा ने 35 आसन करके दिखाए। वहीं कुल्लू के सचानी गांव के सीमावर्ती जंगल में आग के तांडव से महिला सहित दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आग की चपेट में जहां 42 वर्षीय महिला आई तो वहीं इस गांव का 65 वर्षीय बुजुर्ग भी आया। गांव में एक साथ दो मौत होने से मातम का माहौल है। उधर बुंतर पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तो सचानी गांव में आग लगने से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो जंगल में भीषण आग लग गई जिससे सचानी गांव के दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला NH-105 बद्दी नालागढ़ का है, जहां पर बुड बैरियर के पास एक ट्रक और स्कूटी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में स्कूटी पर सवार महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। तो नालागढ़ में लगातार सड़क हादसे जो है सामने आ रहे हैं और ताज़ा मामले में NH-105 पर स्कूटी और ट्रक में ज़बरदस्त भिड़ंत हो गई जिसमें मौके पर स्कूटी सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। तो आपको बता दें कि अक्सर नालागढ़ में इस तरह के हादसे पेश आते हैं। ताज़ा मामला NH-105 पर आया जहाँ पर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं राजधानी शिमला के संजौली उपनगर के डेंगूदार क्षेत्र में एक पालतू कुत्ते को तेंदुए ने शिकार बनाया। घटना रात करीब 1:30 बजे की है, जहां पर डेंगू मंदिर के पास लंबरदार भवन में तेंदुए ने एक पालतू कुत्ते को अपना शिकार बनाया। कुत्ता गेट के अंदर बरामद था। बता दें कि कुछ दिन पहले शिमला के रामनगर और भट्टाकुपर क्षेत्र में भी एक तेंदुआ ने लोगों के घरों में घुस आया था। तो लगातार इस तरह की खबरें जो है शिमला से आती रही है और ताज़ा मामला डेंगू मंदिर के आसपास का है, जहां पर एक तेंदुए ने पागल कुत्ते को अपना शिकार बनाया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस वन विभाग से जो है इस पर अंकुश लगाने की बात कही है। तो घर में बरामद था एक कुत्ता जिसे तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। तो तेंदुए का कहर लगातार प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला जो है शिमला से आया है, जहाँ पर डेंगू मंदिर के पास तेंदुए ने एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया, पालतू कुत्ते को शिकार बनाया और लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि अक्सर इस तरह की खबरें जो है सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि लोग इस तरह की खबरों पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग से जो है अपील करते रहे, लेकिन आए दिन इस तरह की खबरें आने से लोगों में भय का माहौल है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप पंजाब और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और हर खबर से अपडेट रहिए।